हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। कुछ रात हमारा सेगमेंट है पैरोडी फिल्म और आज भी पैरोडी के लिए पेशे खिदमत है शोले। स्टार्ट साउंड कैमरा। ओए स्टार्ट साउंड का मतलब पता ही म्यूजिक म्यूजिक टिपिटा कचा पकू का टिकू टिकू टू। और भाई जी ठीक ठाक हो? मेरा ख्याल था कि बड़ी माकूल बात करेगा, कोई डायलॉग बोलेगा, कितने आदमी थे। और भाई जी ये क्या है, ये गब्बर सिंह है? देखिए जी मेरा गब्बर सिंह यही है, आप इंटरप्शन ना करें। समती मत नाचना इन कुत्तों के आगे, मत नाचना। तेरा खाना खराब होवे कितों नचन दई आ, बैठी बैठी दा वजन बढ़ गया मेरी दा। तू सिर्फ एक ढाई लाख दे पैसे दी तेन तू हीरो लगे आए थे। फिलहाल उसका यही डायलॉग है, चेंज करेंगे, आप अपने काम में फोकस रखें। आपको पता है एक बात का सर, ये फिल्म दो लैंग्वेजेस में बन रही है, एक उर्दू और एक इंग्लिश। यानी इंग्लिश में डब होगी या टेकिंग इंग्लिश में? टेकिंग भी इंग्लिश में, डायलॉग्स भी इंग्लिश में ही होंगे। मैं फिर इन्ना लिल्ला पढ़ लूं इस फिल्म के? मैं तो इन्हें वाकई तुसी इन्हें फारसी और जांगली च भी करो। क्या कॉम्बिनेशन है। अच्छा जी पहला डायलॉग है जी, कितने आदमी थे? कितने आदमी थे? हाउ मैनी पीपल? कितने आदमी थे? हाउ मैनी पीपल? ये टेक करेंगे वहां से आए आप। एक्शन। कितने आदमी थे? हाउ मैनी पीपल? कट इट कट इट। यार अमजद ये हाउ मैनी पीपल ये किसने करना था? हाउ मैनी पीपल? टू सरकार टू। और टू और तुम थ्री, फिर भी वापस आ गए हैंड फ्री। अन्नी देर मजाक है। अरे ओ सांबा, ओ व्हाट इज द हेड मनी ऑन मी? ओनली 50,000। इट्टे मुंह है हेड मनी दा, इट्टे मुंह है अंग्रेजी दा। इसकी पनिशमेंट मिलेगी, बराबर मिलेगी। आई हैव ईटन योर साल्ट सरकार, आई हैव ईटन योर साल्ट, नाउ ईट द बुलेट। नाउ नाउ नाउ। एक कालिया ये कुत्ती ट्रक थल्ले आ गई है। अरे ओ सांबा, ओ हाउ मनी बुलेट दिस द पिस्टल? या ना क्या है? और तेरे को पूछ रहे हैं हाउ मनी बुलेट इन दिस पिस्टल? भाई वाह, अच्छा ने मेरी बड़ी इज्जत करनी है इस फिल्म तो बाद। आ सिकास बोला टाए नो इन ने विच उकाड़ दी अंग्रेजी पाई हुई है। यू टू बुलेट सिक्स, आई एम इन अ फिक्स। हम तो समझ नहीं आई होनी एदा मतलब है कि मैं हूं की करा। हाँ जी आप कंफ्यूज हैं इसका मतलब। यू सेफ दीपिका कटा पच आ पटक छावाशी इन तो मैं चपेड़ा नाली मार देना। बच गया बराबर, बच गया। और बेच को गोली है भी कि नहीं? मैं अटमा करता फिरता। ये ओरिजिनली पिस्टल नहीं होता, ये शोले मेरी है या आपकी? कमाचा होता है। ए मेरे को कोई डायलॉग बुलवा लो। बसंती अपनी फिल्म ना अंग्रेजी चिट होनी है तो मेरी बहन चीखा भी अंग्रेजी से मारनिया नहीं। सानू जी माव बहन की गल करनी होगी अंग्रेजी च करनी। यार मैं म्यूजिक इंग्लिश दे सकना कि नहीं? ओह यस म्यूजिक चेंज। आई करके ठुमका मारना आई जी। ठुमका मारने के लिए हाथों की नहीं पैरों की जरूरत होती है गब्बर, और तेरे इतना भी नहीं पता तू कितों का खुश रहा। Those were the days I was posted at Belapur. We got the news that Gabbar and his team was playing 2020 in Belapur. Aur music kyon nahi dene? Sorry Thakur sahab. Gabbar, main kharch kar idhar la sab aati hai nahi. Gabbar, ये उन दिनों की बात है जब मैं बेलापुर में था। ओए फिल्म हॉलीवुड चलानी है, इंग्लिश बोलो। इंग्लिश को इतनी बरकत नहीं की। क्या हाल है गबर? वैसे मेरा चबाड़ा भी थक गया है।
ਅਜੇ ਕਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਫਿਲਮ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਈ ਧਨ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਥੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਦੇਖੀਏ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਕਟਰਸ ਕੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਹਮ ਬਾਕੀ ਕੀ ਫਿਲਮ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਫਿਲਹਾਲ ਉਰਦੂ ਮੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲੇਤੇ ਹੈਂ ਯੇ ਕੈਸੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੇ ਬਾਤ ਮੇ ਕਰ ਲੇਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੀਨ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਣੀ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਅੱਧੀ ਫਿਲਮ ਸਰਾਇਕੀ ਚ ਨਾ ਕਰ ਲਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਾਇਕੀ ਪੱਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਰਾਇਕੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹ ਵਿਹਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਇਹਨੇ ਇਹ ਅਮਜਦ ਹੈ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਲ ਵਰਜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਬਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਗੱਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗੱਬਰ ਕੋ ਗੱਬਰ ਹੀ ਕਹਤੇ ਔਰ ਕੀ ਕਹੇਂਗੇ ਐਕਸੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਯਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੈਂਟ ਹੀ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ ਗੱਬਰ 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 ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਇਥੋਂ ਬੜਾ ਦੂਰ ਹੈ ਉਤੋਂ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਖੋਲ ਕੇ ਟੁਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟੂਟੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਟੂਟੀ ਖੋਲ ਵੀ ਲਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਪੂਰਾ ਬੰਗਲੌਰ ਪਾਣੀ ਡੁੱਬ ਜਾ ਸੀ ਅੰਨੀ ਦਿਆ ਜੇ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਰਿਆ ਲਈ ਜਾ ਚਲੋ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਤਰ ਵੀ ਲਵੇਂ ਤੇਰਾ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਅੱਬਾ ਕਿੱਡਾ ਤੂੰ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ ਵਾਹਿਆਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਵੇਖੋ ਵੈਸੇ ਮਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਆਂਦਾ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਤੇਰਾ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਵੀ ਛੱਡ ਦਫਾ ਵੀ ਕਰ ਹੁਣ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਿਉਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਮ ਲੋਗ ਕਿਆ ਖੜੇ ਹੋ ਔਰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਕੀ ਬੱਤੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਹਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਭ ਲੋਗ ਮੈਂ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੱਪੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਸੰਤੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨਿਕਲਾਏ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਖਾਵੀ ਤੈਨੂੰ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਸੀ ਆਪਕਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਖਾਤੀ ਯਹਾਂ ਜੋ ਡਾਕੂ ਥੇ ਵੋ ਕਹਾਂ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਇਆ ਸੀ ਬਸੰਤੀ ਦੀ ਮੌਸੀ ਨੂੰ ਚਲੇ ਚਲੇ ਆਪਣੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਪੈ ਚਲੇ ਉਹ ਡਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਾ ਡਰਿਆ ਚਲੋ ਚਲੋ ਅਗੇ ਚਲੋ ਅਗੇ ਚਲੋ ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗੀ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗੀ ਜਾਓ ਯਾਰ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਏ ਇਹਦੇ ਖੌਫ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਸੰਤੀ ਤੁਮ ਡਰ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੋ ਰਾਧਾ ਭੈਣ ਤੂੰ ਬਸੰਤੀ ਮਤ ਨਾਚਨਾ ਇਸ ਭੂਤਨੀ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਨਾ ਸੰਨਾਟਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਰੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਆ ਜਾਏ ਰਾਧਾ ਥੋੜੀ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਤਬੀਲ ਮੁਝੇ ਨਾਚ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਪੀ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੇ ਡਾਂਸਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਡਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਸਰ ਆਪ ਬਤਾਏ ਮੈਂ ਡਾਂਸਰ ਹੋਊਂ ਕੋਈ ਆਪ ਇੰਡੀਆ ਕੇ ਬੈਸਟ ਡਾਂਸਰਸ ਮੇ ਸੇ ਇੱਕ ਸਿੱਪੀ ਅਗਰ ਤੁਮਨੇ ਡਾਂਸ ਤਾਂ ਕੀਆ ਤੋ ਮੈਂ ਬਸੰਤੀ ਕਾ ਪੈਰ ਜੋੜਾ ਦੂੰਗੀ ਨਹੀਂ 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 ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਜਬ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਚਲੇਂਗੇ ਬਸੰਤੀ ਕੀ ਸਾਸੇ ਚਲੇਗੀ ਰਾਧਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮਹਿਬੂਬਾ ਸੁਣੋ ਕਿਉਂ ਡਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸਿੱਪੀਆਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚਾਨਣੀ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਰਾਧਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਬਾਹਵੇਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਫੁੱਫੜ ਆ
किधर मर गए तुम्हें। तुम मुझे ये तो बताओ तुम आजकल होते कहाँ हो, ना पेशी में नजर आते हो ना अदालत में। राधा साहब मैं जरा बीमार शिमार आना। कहते करते हुए तो तुम्हें कोई बीमारी नहीं होती। बस की दसा एवं मेरी बदनामी हुई पई है, मैं कोई एडा डकैत नहीं हाँ। बेड़ा घर को जी आई टी दा। तुम्हारा जोटीदार किधर है? राधा साहब खच्चा ना मारो, ये दसो जोटीदार मेरा है किड़ा। तुम्हें बहुत पता है कौन है। अच्छा वाइंड अप तो मैंने सोलो कर लेंदी है। अपने जोटीदार को बुलाओ बन्ना। एक मिनट हौसला राधा साहब हौसला, ठाकर तू ही आ जा, मैं लगता तेन जोटीदार समझ दिए। अच्छा तुम पता है इन्नी साड़ी फिल्म नहीं बनी जी ने बना ली। मैं तुम्हारे जोटीदार की बात कर रही हूँ जो कराची में रहता है। राधा साहब वो बड़ा कारीगर बंदा है, कभी कराची होता है कभी नवाब शाह होता है कभी दुबई होता है कभी न्यूयॉर्क होता है। अब कितने लंबा आजकल तो इस्लामाबाद में है। बस बेचारा तरले लांदा बना ओदी गल सुनता तो है कोई नहीं। कौन से तरले? वो आदे एनआरओ करवा दो जान छुड़ा दो। मैं लगता मैं राधा का शागिर्द हो गया। डरना राधा तेरा इंटरव्यू ले रही है। तुम भी इधर आओ ठाकुर के बच्चे, यहाँ आके बैठो। अच्छा जी आ जाओ। ये उन दिनों की बात है जब मैं बेलापुर थाने में था और इधर हिलजुल भी नहीं रही। चिड़ी जी यही थे बाबे ने सारी रात सालों चमकाई रख दी छोटे दुमा। ये रहती किधर है? ये कास्ट च नहीं है, ये पिछले कब्रस्तान च रहती है। ओए हां एक कब्र च वड़दी है दूसरी च निकल जाती है। वो क्यों पता नहीं उत्थे केबल लांदी फिरदी है। राधा एक बात मैं तुम्हें बता दूं, राधा साहब अल्लाह की कसम से तुम्हारे बच्चे मैं ठाकुर ठोकर कोई नहीं, बाहर मेरी पेंशन की दुकान और मैं भी कब्र कोई नहीं, मैं चनियो टांगा चलांदा रहा। और बसंती भी कोई औरत नहीं है गनमैन है। कदी रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। नासिर।